हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको एक नई मूवी के बारे में बताने वाला हूँ जिसका नाम है दे आर प्लेइंग विद फायर। मूवी की स्टार्टिंग में इंग्लिश टीचर को अपनी क्लास लेते हुए देखते हैं जिसका नाम डायना स्टीवंस है। डायना अपनी क्लास ले ही रही होती है कि तभी बेल बज जाती है और सभी क्लासे जाने लगते हैं। और तभी डायना जेक को रोकती है और पूछती है कि तुम अभी भी काम ढूंढ रहे हो। जेक हाँ बोल देता है और डायना उसे अपने ऑफिस में बुला लेती है। तभी जेक की एक्स गर्लफ्रेंड सिंथिया वहाँ आ जाती है और जेक को स्टडीज के लिए अपने घर में इन्वाइट करती है, पर जेक उसे मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। पर सिंथिया उसका पीछा करती है और जेक उसे वापस से भगा देता है। अगली सीन में हम जेक को डायना की बोट पेंट करते हुए देखते हैं। तभी डायना उसे ड्रिंक ऑफर करती है। जेक भी डायना के पीछे ड्रिंक लेने चला जाता है। तभी डायना उसे बेडरूम भी पेंट करने को बोलती है। जेक मना कर देता है पर डायना उसे अपने सेकंड दांत में पूछती है। जेक मान जाता है और बेडरूम देखने जाता है। तभी डायना उसे बोलती है कि अंदर आओ, मैं तुम्हारा रेप नहीं करूंगी। पर जेक समझ जाता है कि पहले ड्रिंक और अब बेडरूम, ये टीचर कोई और चैप्टर पढ़ाना चाहती है। तभी डायना जेक टेबल उठाने को बोलती है और उसे टच करने लगती है। जेक अपना हाथ वहाँ से हटा लेता है पर डायना उसे पकड़ लेती है और बोलती है कि मुझे किसा। जेक किस करता है और डायना उसे पैंट पर पटक देती है और पैंट उतार लेती है। गन्ना चूसने लगती है और दोनों के पलंग तोड़ पकड़ते हैं। अगले दिन हम देखते हैं जेक डायना को बताता है कि वह गैस स्टेशन में काम करता है और डायना उसे वहाँ छोड़ने जाती है और रास्ते में उसे पूछती है कि क्या तुम मुझे फेवर करोगे। जेक पूरी तरह से डायना की खूबसूरती के जाल में फंस चुका है। जेक उसे हाँ बोल देता है। इसके बाद डायना अपने हस्बैंड के साथ देखते हैं। इसका नाम माइकल है। माइकल भी उसी कॉलेज में प्रोफेसर है जिसमें डायना प्रोफेसर है। दरअसल माइकल और डायना ने प्लान बनाया, वो जेक की हेल्प से उसे पूरा करना चाहते हैं। अगले दिन डायना और माइकल जेक से मिलने जाते हैं और जेक को बहलाने फुसलाने लगते हैं कि जेक उनकी हेल्प करे। तभी डायना बोलती है कि तुमको कुछ नहीं करना है, बस तो बुड्ढी औरतों को डराना है और घर से बाहर निकालना ताकि हम उन्हें ओल्ड एज होम भेज सके और उनकी प्रॉपर्टी ले सके। जेक मान जाता है। इधर हम माइकल की माँ लाइन को देखते हैं। वो अपने गार्डनर जेक के साथ बात कर रही है। वो पूछती है कि मार्टिन कहाँ है, क्या तुम उससे मिलने नहीं गए थे। जॉर्ज मना कर देता है। इसके बाद लेनी लेटी को व्हील चेयर पर ले जाती है। तभी जेक उनकी प्रॉपर्टी में घुसता है और उसकी माँ को डराने की तैयारी करता है। इतने में उनका कुत्ता जेक को सूंघ लेता है और भौंकने लगता है। तभी माइकल की माँ अपनी गन निकालती है और जेक की तरफ तान देती है। जेक जैसे जैसे अपनी जान बचा के वहाँ से भाग जाता है। फिर वहाँ एक अजनबी आता है। वो अजनबी पहले माइकल की माँ को मारता है और फिर लेटी को मार देता है और टीवी खो देता है। कुत्ते की फट जाती है। वो भौंकने की बजाय छुप जाता है और शांत हो जाता है। इधर जेक माइकल और डायना को बताता है कि वो वहाँ से भाग आया है। वो पागल बुड्ढी मेरे ऊपर गोली चलाने लगी थी, मैं क्या करता, मैं वहाँ से भाग गया। तभी माइकल घर पे फोन लगाता है। पल्सारा फोन उठाए, कौन, सब तो मर चुके हैं। माइकल को जेक पर शक होता है और फिर तीनों माइकल की माँ के घर जाते हैं। यहाँ वो देखते हैं कि दोनों की बॉडी पड़ी हुई है। माइकल को जेक पर शक होता है पर वह इस बार जेक माइकल को बोलता है कि तुम मुझे फंसाना चाहते हो, मैं पुलिस के पास जाऊंगा और सब कुछ बता दूंगा। माइकल की वहीं फट जाती है। अगले दिन माइकल क्लास में लेक्चर दे रहा होता है, तभी जेक वहाँ से भाग जाता है और सीधा डायना के पास जाता है और अपना गुस्सा पूरा डायना पे निकाल देता है और उसे बोलता है कि तुमने मुझे सिर्फ बुड्ढी को डराने को बोला पर वो बुड्ढी अब मर चुकी है, साला यहाँ चल क्या रहा है। डायना उसे समझाने की कोशिश करती और उसे अलग अलग जगह से टच करने लगती। तभी माइकल बाहर से उनकी बातें सुन रहा था। माइकल वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ जेक की एक्स सिंथिया वहाँ जाती है और वो भी उनकी बातें सुनने लगती है। बाद में वो जेक से मिलने जाती है और उसे बताती है कि उसके पास कुछ फोटोज हैं जो बताते हैं कि जेक और डायना का चक्कर चल रहा है। यहाँ सिंथिया जेक को ब्लैकमेल करने की कोशिश करती पर जेक वहाँ से चला जाता है। इसके बाद सिंथिया माइकल के घर चली जाती है और तभी वहाँ उसे गार्डनर मिलता है। सिंथिया उसकी ठरक को पहचान जाती है और वहाँ से चली जाती है। जो और दी गार्डनर माइकल से पूछता है कि वो दोनों कहाँ हैं। तभी माइकल बोलता है कि मैंने उन दोनों हवाई में वेकेशन के लिए भेज दिया। इधर जेक डायना की बोट पर जाता है और वहाँ तलाशी लेने लगता है कि तभी वहाँ डायना आ जाती है और जेक डायना को बोलता है कि मुझे सबूत तुम्हारी बोट पे मिले, मैं वो ले जाकर पुलिस को दे दूंगा। पर डायना उसे मनाने लगती है और चम्मच चाटी करने लगती है और जेक उसके हाथ पलंग तोड़ गपा गप करता है और पुलिस के पास जाने से मना कर देता है। जेक भी अजीब होती है, दो बाई दो के चक्कर में मरवाने पे चला हुआ। इसके बाद हम माइकल डायना को बहस करते हुए देखते हैं। माइकल डायना को बोलता है कि तुम मुझे धोखा दे रही हो, मेरी पीठ पीछे तुम जेक का गन्ना चूसती हो और उसके साथ गप्पा गप्पी करती हो। तभी डायना बोलती है कि जेक के पास तुम्हारे खिलाफ सबूत है, अगर वो पुलिस के पास चला गया तो पुलिस तुम्हारे पिछवाड़े में डंडा डाल देगी। ये बात सुनकर माइकल और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और जेक से मिलने पहुंच जाता है। माइकल जेक के पास पहुंचता है और उसे बताता है कि वह चाहे भी तो उसे फंसा नहीं सकता क्योंकि जब वो कांड हो रहा था तब जेक वहां नहीं था। जेक को लगता है कि शायद वह इस केस में फंस सकता है क्योंकि वो उन दो बुड्ढियों के घर भी गया था, उससे कुछ फिंगरप्रिंट से कुछ सबूत छूट गए होंगे। तभी जेक वापस से उस बुड्ढियों के घर पहुंच जाता है और सबूत मिटाने लगता है कि तभी वह अजनबी शख्स आ जाता है और जेक को मारने की कोशिश करता है पर जेक वहां से फिर से भाग जाता है। और इसके बाद वो ये फिर से डायना को बताता है। डायना बोलती है कि तुम उस घर से दूर रहो तो अच्छा है। इधर सिंथिया माइकल के घर जाती है और उसे वहाँ कोई नहीं मिलता। वो घर से जाने ही वाली होती है कि वही अजनबी शख्स वहाँ आता है और डायना और सिंथिया को मार देता है। इधर माइकल और डायना के बीच वापस से झगड़ा हो जाता है। माइकल डायना को बोलता है कि उसे लगता है कि तुमने ये दोनों बुड्ढी
वीडियो को मारा है और तुम अब जेक को ही मारना चाहती हो, अब पूरा पैसा लेके यहाँ से चली जाओगी और फिर तुम मुझे ही मार दोगी। ये बोल के वहाँ से चला जाता है। तभी डायन जेक से मिलने जाती है और उसे बोलती है कि वह माइक को डिवोर्स देने वाली है, क्या तुम मेरे साथ पूरी लाइफ बिताना चाहोगे। जेक अंदर अंदर बहुत खुश होता है और उस रात डायना की पालन तोड़ ठुकाई करता है। जाता है, ये जेक का घर है, तो वो जेक से पूछता है कि यहाँ डायना आई थी। जेक मना कर देता है, माइकल वापस चला जाता है। तभी माइकल की नजर डायना की कार पर पड़ती है, वह वापस आता है पर दोनों वहां से निकल जाते हैं। दोनों डायना की बोट पर पहुंच जाते हैं। डायना फिर से जेक को बोलती है कि मैं तुम्हें चाहने लगी हूँ और फिर जेक के साथ में गपागप करने लगती है। फिर तभी वहाँ माइक भी आ जाता है और दोनों को गपागप करते देख गुस्सा हो जाता है और वो अपनी गन निकाल लेता है। वह जेक को मारने वाला होता है कि तभी उसका इरादा बदल जाता है कि तभी पीछे से वही अजनबी आता है और माइक को मार देता है। चिल्लाने की आवाज सुन के ये दोनों अपना गपागप का कार्यक्रम बंद करके बाहर आते हैं और उस अजनबी का पीछा करने लगते हैं। उस अजनबी का पीछा करते हुए ये दोनों वही दो बुढ़ियों के घर पहुंच जाते हैं। अंदर जाते ही उन्हें दो तीन लाशें मिलती हैं और बहुत सारे रिकॉर्ड मिलते हैं, जिसे पता चलता है कि माइकल की माँ और गार्डनर का एक नाजायज बच्चा था और इस सारी प्रॉपर्टी का इकलौता वारिस वही है। तभी वो अजनबी वहाँ आता है और गेट बंद कर देता है। फिर वे दोनों उस घर से बाहर निकलने के लिए खिड़की का इस्तेमाल करते हैं। वो दोनों बाहर निकलने ही वाले होते हैं कि तभी वो अजनबी वहाँ जाता है। जेक उसे गोली से शूट कर देता है, वो वहीं मर जाता है। तभी डायना उसका मांस निकालती है और हमें यह पता चलता है कि एक मार्टिन है। और फिर अगले दिन हम देखते हैं कि डायना कार लेके गैस स्टेशन पर आती है जहाँ जेक काम करता है और वह जेक को अपने साथ बाहर घूमने के लिए पूछती है। जेक उसे हाँ बोलता है और पूछता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। तभी डायना बोलती है कि हम हवाई घूमने जाते हैं और वो थैंक यू बोलती है और फिर दोनों कार लेके वहाँ से निकल जाते हैं और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो भाई अगर आपको मूवी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।